बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेक्टर 15-16 का चौक अब हरा भरा व स्वच्छ नजर आएगा। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद NIT व मुहिम आज विधिवत शुरू की। दोनों रोटरी क्लब्स FMDA के साथ मिलकर इस चौक की ग्रीन बेल्ट को विकसित करेंगे तथा उनका रख रखाव सुनिश्चित करेंगे। आज रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 के DJ रोटरियन जितेंद्र गुप्ता व दीप्ति गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि इस क्लब की शुरुआत की। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद ट्यूलिप्स जी मैम, टेन्योर शुरू हो चुका है एज ए प्रेसिडेंट, आगे किस तरह से जो है समाज सेवा के लिए आपका क्लब काम करेगा? क्योंकि रोटरी का मानना है सर्विस बिफोर सेल्फ, और हमारा जो पूरा महिलाओं का जो ये क्लब है हम इसमें पूरा विश्वास रखते हैं, और हमारी जितनी भी महिलाएं हैं वो बहुत सशक्त हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों से उनकी अपनी एक एक्सपर्टीज है, और हम आने वाले टाइम में हम यही देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं जिस भी क्षेत्र में वो सशक्त हैं वो अपनी एक्सपर्टीज। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र मेहता, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद NIT। क्या प्रोजेक्ट आज मेहता जी किया है आपने? ये रोड हमें मिली है ब्यूटिफिकेशन के लिए, दोनों सेट की, संत इलेक्ट्रॉन से लेकर मथुरा रोड तक। सिर्फ ट्री प्लांटेशन ही होगी, ट्री अडॉप्शन भी है और इसमें लाइट्स वगैरह सभी लगनी है। और सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगा MLA नरेंद्र गुप्ता जी का, जिनकी वजह से, जिनकी सपोर्ट से आज हम यहाँ